दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई 11wickets.com. 11wickets.com एक वेबसाइट है जहाँ से आप लोग पैसे कमा सकते हो. आपको करना कुछ नहीं है बल्कि बहुत सारे मैचेस होंगे, उसमें से किसी भी एक मैच को आपको सिलेक्ट करना है. उसके बाद आपको एक लीग सिलेक्ट करना है, आप अपने हिसाब से कोई भी लीग सिलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद आपको अपनी प्लेइंग 11 सिलेक्ट करनी है और आपके प्लेयर्स ने अगर बढ़िया परफॉर्म किया तो आपको मिलेगा पेटीएम के थ्रू पैसा. तो दोस्तों, पैसा कमाने के लिए बहुत ही बढ़िया है ये वेबसाइट. यहाँ पे कम लोग होने के कारण कंपटीशन भी कम है और कम कंपटीशन यानी कि आपके जीतने का चांस है हाई. तो वेबसाइट काफी बढ़िया है, आप लोग वेबसाइट को जरूर से चेक कीजिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट क्रिकेट चैनल और टीम इंडिया का वेस्ट इंडीज टूर के लिए स्क्वाड हो चुका है अनाउंस. ओडीआई टेस्ट और वनडे सीरीज का स्क्वाड, तीनों ही सीरीज का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा खिलाड़ी किस किस सीरीज के लिए हुआ है सिलेक्ट. तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखिए. शुरुआत करें T20 स्क्वाड से. तो T20 स्क्वाड में विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, कृणाल पांड्या, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल चहर, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, दीपक चहर और नवदीप सैनी है. तो दोस्तों जी हां, विराट कोहली को विश्राम नहीं दिया गया है. विराट कोहली तीनों ही सीरीज में जो है टीम इंडिया के बतौर कप्तान खेलेंगे. अभी बात करें ओडीआई सीरीज की, तो ओडीआई स्क्वाड में है विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन, शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, केदार जाधव, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद और नवदीप सैनी. यहाँ पे एक जो अच्छी चीज मुझे लगी वो ये है कि नवदीप सैनी को ओडीआई और T20 दोनों ही सीरीज के लिए जो है सिलेक्ट किया गया है. तो उनके पास एक बढ़िया मौका है अपने आप को प्रूव करने के लिए. अभी टेस्ट स्क्वाड की बात करें तो विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, चितेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, वृद्धिमान साहा, रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, ईशान शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव है. पहले T20 और उसके बाद ODI सीरीज होने वाली है और उसके बाद होंगे टेस्ट. तो शेड्यूल आप देख सकते हैं, पहला T20 3 अगस्त, फिर उसके बाद 4 अगस्त को दूसरा, 6 अगस्त को तीसरा, 8 अगस्त को पहला ODI, 11 अगस्त को दूसरा और 14 अगस्त को तीसरा ODI खेला जाएगा. यहाँ पे इस सीरीज में थोड़ी सी दिक्कत होगी इंडियन फैंस को मैचेस देखने में, क्योंकि T20 मैचेस तो चलिए 8 बजे शुरू होने वाले हैं रात को, तो उतनी भी दिक्कत नहीं होगी. पर जो ओडीआई मैचेस होंगे वो रात को 7 बजे, शाम को 7 बजे शुरू होने वाले हैं, यानी कि उन्हें खत्म होने में काफी देर हो जाएगी, 1-2 बज जाएंगे. तो ऐसे में मुश्किल तो होगी थोड़ा सा इस सीरीज को देखने में. पर आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए. पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए. जय हिंद.